पहले है ना हमको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा. एवरीथिंग इज वन, एवरी डिपार्टमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेम सनातन का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज वेरी ब्रॉड. जैसे ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स है, वैसे भगवान के सारे इतने सारे बनाए हुए डिपार्टमेंट्स है. एवरी डिपार्टमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. गुड क्वेश्चन. तो इसको समझने के लिए पहले है ना हमको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, राइट. हमारी कंपनी में ऊपर से नीचे गए तो CMD है, CFO है, CEO है, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस देखने वाले है, अकाउंट हेड है, HR हेड है, फिर सेल्स है, मार्केटिंग वाले है, इतने सारे डिपार्टमेंट्स है एक ऑर्गेनाइजेशन है. अगर वही पॉलिटिक्स को अगर हम देखा जाए, गवर्नमेंट को देखा जाए, तो गवर्नमेंट को चलाने के लिए भी ऐसे ही होता है, डिपार्टमेंट्स होते हैं, बराबर. वहाँ पे मोदी जी बैठे हैं सबसे सुपर ऊपर, उनके बाद में अलग अलग मिनिस्ट्रीज है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, राइट. अगर हम कंपनी में देखें, अगर सेल्स एंड मार्केटिंग का कंपेयर करते हैं, जो फ्रंट में दो रहते हैं, सेल्स वाले मतलब गवर्नमेंट के पॉलिटिकल लीडर समझ कर चलो, और मार्केटिंग वाले यानी एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले IAS ऑफिसर्स हो, राइट. उनकी वजह से पूरा सिस्टम चलता है. तो उस तरह परमात्मा का भी स्ट्रक्चर है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. इस चीज़ को समझना जरूरी है. ये अगर हम नहीं समझेंगे तो हमको कन्फ्यूजन रहेगा कि अरे कौन से भगवान को हम पूजे, कौन से को नहीं करें. बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर बना हुआ है. सबसे सुप्रीम परमात्मा, परमात्मा वो है जिन्होंने कभी भी इंसान का रूप नहीं धारण किया. जो एनर्जी है, जिसको लाइट बोलते हैं, ज्योति बोलते हैं, बराबर, जो पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं. इतने सारे प्लैनेट्स आपने वीडियो देखा होगा, वो अर्थ के साथ साथ में इतने सारे प्लैनेट्स का, राइट. तो उतने सारे प्लैनेट्स को पूरा कंट्रोल करते हैं परमात्मा. उनको रिप्रेजेंट करके सारे जितने भी भगवान हैं वो सब उनको रिप्रेजेंट, उनको प्रे करते हैं. जितने भी देवी देवता गुरु जितने भी हैं उनको प्रे करते हैं. तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए लिंग जो है ना, ज्योतिर्लिंग बोलते हैं, तो उस ज्योति को रिप्रेजेंट करने के लिए लिंग है सब, राइट. तो वो परमात्मा है. उन्होंने जो भी एक प्लैनेट बनाया, हर प्लैनेट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गॉड को भेजा. गॉड कौन, गॉड कौन है, कौन है, किनको पूछते हैं, किनको भगवान मानते हैं, गॉड कौन. ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ. गॉड के अंदर उसको तीन लेटर्स को आप डिफाइन करेंगे, GOD. जी यानी जनरेटर, ओ यानी ऑपरेटर, डी यानी डिस्ट्रॉयर. क्लियर. जी यानी उत्पत्ति करने का डिपार्टमेंट उनका है, ब्रह्मा जी का. इस सृष्टि में जितनी भी चीजें उत्पन्न हुई, इंसान लीजिए, इंसान के साथ साथ जितने प्राणी हैं, जितने पशु पक्षी हैं, जितने प्लांट्स हैं, जितने जीव हैं, हर एक की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के डिपार्टमेंट से हुई है. हर एक प्राणी को, हर एक प्लांट को बनाने के पीछे बहुत बड़ा रिसर्च है, बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा रीजन रहेगा, जो हम सबको समझने में बहुत टाइम लग सकता है, राइट. हर एक जो बर्ड्स के स्टडी करते हैं उनको पता है कि कौन सी बर्ड का क्या होता है, उनकी लैंग्वेज भी समझते हैं वो लोग, राइट. जो प्लांट की स्टडी करते हैं इनको पता है हमारी टीम में भी कि कौन से प्लांट का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसा है. तो हर एक में बहुत डिटेल जा सकते हैं. तो हर एक के पीछे रीजन ऐसे ही नहीं बनाया. तो वो उत्पत्ति करने का काम ब्रह्मा जी का है. उसी तरह इन सब को, जितनी भी उत्पत्ति हुई है, इन सब को चलाना है तो नॉलेज चाहिए, उन सबका एजुकेशन चाहिए, बराबर. उन सबको कैसे समझना, उनको कैसे यूटिलाइज करना, तो वो एजुकेशन का काम है सरस्वती देवी, जो ब्रह्मा जी की पत्नी है. उन दोनों का डिपार्टमेंट है, दोनों की उत्पत्ति. वो नॉलेज का उत्पत्ति कर रहे हैं और वो सारी सृष्टि का उत्पत्ति कर रहे हैं. फिर बाकी ये सारी सृष्टि को चलाने का, ऑपरेशन करने का काम है विष्णु जी का. उनका डिपार्टमेंट है ये सारे चलाए, पूरा जितनी भी क्रियाएं हैं, पूरी सब चीज, सब जितने भी लोग हैं, धर्म को चलाना है, पूरे सिस्टम को चलाना है, सब उनका काम है. तो वो सारे डिपार्टमेंट को चलाते हैं. और जब जब लगता है कि बहुत ही सिस्टम खराब हो गया, नीचे बहुत ही पाप बढ़ गया या खराब हो गया, तब उन्होंने अवतार लेके धरती पे आए, राम की तरह, कृष्ण की तरह, विठोबा की तरह, बालाजी की तरह, बराबर. अलग अलग टाइम पे आके इस धरती पे जब जब जरूरत थी तब विष्णु जी ने अवतार लिया. समझ गए. तो आप जैसे आप बोल रहे थे कि अरे राम को माने, एवरीथिंग इज वन.
समझे ना, ऑपरेटर सब ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से अलग अलग टाइम पे जैसा जैसा चाहे विष्णु जी के अवतार है। अब इस सृष्टि को चलाना है, इस धरती को चलाना है, तो उनकी पत्नी है लक्ष्मी जी, तो उनका डिपार्टमेंट है फाइनेंस, धन, राइट। तो वो उनकी जोड़ी है जो ऑपरेशन करने में, ऑपरेट करने में, चलाने में चलती है। तीसरा है शंकर जी, इसमें सृष्टि में जितनी भी बुराइयां है उसका नाश करने का डिपार्टमेंट उनका है, बुरे लोग या बुराइयां ये सब शंकर जी का डिपार्टमेंट है, बुराई का अंत करना, डिस्ट्रॉयर, GOD के डी है, डिस्ट्रॉय करने का डिपार्टमेंट उनका है। तो हम लोग सब समझते हैं कि मैंने किसी का बुरा किया किसको मालूम है, उसको क्या मालूम पड़ा, लेकिन वो शंकर जी के पास हमारे कर्म खाते के द्वारा उनके रिकॉर्ड्स में तो पक्का है कि मैंने गलत किया, तो वहाँ पे होगा उसका कंपलसरी, हमको किस रूप में पनिशमेंट मिलेगा, कैसा मिलेगा, नहीं मिला, पक्का मिलेगा। तो जितनी भी बुराइयां हैं, जितना भी चीज़ों का अंत होना है, वो शंकर जी का डिपार्टमेंट है। फिर उनकी पत्नी है पार्वती देवी, वो टाइम टाइम पे जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफें थी, राक्षसों का तकलीफ था, तो उन्होंने अवतार लेके दुर्गा, काली, चामुंडा, भवानी, इन सब रूप में पार्वती देवी ने अलग अलग टाइम पे अवतार लेके इन सब का नाश किया। उनका डिपार्टमेंट है दोनों का कि बुराई का अंत करना, इट्स वेरी सिंपल। बाद में बाकी सब तो जो भी है समझिए अपने अपने हिसाब से, उनको एक एक डिपार्टमेंट दिया, गणेश जी को विघ्न हरने का, कार्तिकेय को कुछ अलग मिला, किसी को अलग, अपने अपने सबके है। तो एवरी बडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी डिपार्टमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेम चीज चाहे गवर्नमेंट से कंपेयर करो, इतने सारे मिनिस्ट्रीज अगर नहीं तो मोदी जी कहते कहाँ कहाँ पहुंचेंगे। कोई बोलेगा मुझे कि एमडी सर नहीं, आप ही सब करना चाहिए, आपको जाके ऑर्डर लेना है, आपको आके कलेक्शन करना है, आपको आके फील्ड पे काम करना है, आपको ही प्रोडक्शन में जाना है, आपको ही रॉ मटेरियल खरीदना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, राइट, आपको ही बैंक जाना पड़ेगा चेक लेके रोज। तो प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारा जो सनातन का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज वेरी ब्रॉड, वेरी ऑर्गेनाइज्ड। इसको जितना डीप में समझेंगे हम लोग, उसका आपको क्लैरिटी मिलता जाएगा इसके अंदर। तो मैं जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दिया आज खाली शॉर्ट में, कि इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स है, वैसे भगवान के सारे इतने सारे बनाए हुए डिपार्टमेंट्स है, एवरी डिपार्टमेंट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। क्लियर?